हेलो दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो सिरिंज है, जो डिस्पो बैन है, वो ML कैसे जाना जाता है, ML किसे कहता है। तो आज हम बताएंगे, देखिए पूरा जानकारी देंगे कि ML किसे कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं 5 ML, 10 ML, 2 ML, 3 ML, 5 ML कहते हैं, वो इसे ML कब कहा जाता है। आज हम उसका बेसिक नॉलेज देंगे आप लोगों को। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ML के बारे में आज बताऊंगा। जो देखिए ML कितना, ML कितना होता है, तो ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ये 5 ML है, और यहाँ दिखाई दे रहा है ये 10 ML है। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 5 ML है और यहाँ 10 ML है। 10 ML, ये 10 ML तक जो मेडिसिन आप ले सकते हैं, 10 ML तक ले सकते हैं। आप आइए तो ML इस रहता है, जो आप जब मेडिसिन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दिया गया है कि यहाँ पर ये जो दाग है ये 1 ML है, ये 2 ML है, ये 3 ML है, और ये 4 ML है। यहाँ देखिए 5 ML है, यहाँ 5 ML है, ये 6 ML है, 7, 8, 9, 10, ये देखिए 10 ML, यहाँ लिखा है 10 ML, 11, 12, सर 10 ML उसे याद, ये 10 ML तक लिया जाता है, ये ज़्यादा लिया नहीं जाता, ये 10 ML ही सिरिंज है, डिस्पो बैन है। ये फॉर सिंगल यूज़ ओनली, ये दोबारा मत यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये एक बार ही यूज़ करता है। कोई भी सिरिंज हो, 2 ML हो, 3 ML हो, 5 ML हो, सिंगल यूज़ करना है। ये देखिए फॉर सिंगल यूज़ ओनली। तो सिरिंज को आप जब ऐसे निकलना है, निकलने के बाद आपको ये धीरे धीरे आपको 10 ML तक लेना है, 10 ML तक लेना है, ज़्यादा लेना नहीं है। और आपको ये लगाना है। तो आज आप लोग को पता चल गया ये 1 ML, 2 ML, 3 ML, 5 ML इसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज पूरा मिल गया कि ML इसे कहता है और इतना तक 1 ML है, इतना तक 2 ML है, 5 ML है, आप लोगों को पता चल गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।